हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, आज का जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फ़ोन से कर रहा हूँ, बिकॉज अपना मुझे अपना फ़ोन जितने टाइम दिनों बाद मिल रहा है, मतलब एक दो दिन बाद, मतलब वैसे शूट करने के लिए, वरना मैं क्या कर रहा हूँ किसी और फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, बस वहाँ से एडिटिंग करके इस फ़ोन में भेजता हूँ एंड अपलोड करता हूँ रात को बस, क्योंकि ना जो मेरे पापा का फ़ोन है आपको पता है ख़राब हो चुका होगा। क्या था वो? हाँ, उसके ना स्क्रीन चली गई थी एकदम से, ना दिमाग से निकल गया, उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई थी पापा के फ़ोन में, जिससे अभी मेरे पापा एक दो दिन तक कोई फ़ोन लेंगे, नया लेंगे, देखते हैं। अब आपको मैं ब्लॉग में बता ही दूंगा। तो होगा जब तक मैं पापा फ़ोन नहीं लेता, जब तक पापा ने अपनी सिम मेरे फ़ोन पर चलाई, क्योंकि पापा को जरूरत थी काम वगैरह के लिए, नंबर फ़ोटो वगैरह की, इसलिए मैं पापा ने अपनी जो सिम थी मेरे फ़ोन में डाली। तो उसकी इस वजह से मेरे पास फ़ोन मिल नहीं रहा मुझे, इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा। एक दिन का गैप आया था, तो वो तो मेरे पास ब्लॉग पड़ा है, वो जब मेरे पास फ़ोन अच्छे से आएगा वो मैं डाल दूंगा तब वो ब्लॉग। तो ये था, बाकी गाइस अब देखते हैं, मेरा अमेज़न का प्रोडक्ट भी कल रिसीव होगा, उस पर देखते हैं, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगा। उस टाइम वो घर हुआ था, क्योंकि वो बेसिकली फ़ोन, मतलब दूसरा फ़ोन जो है मेरी बहन का फ़ोन है, वो कभी कभी जैसे घर में इंस्टीट्यूट जाती है तो उसके पास भी फ़ोन होता है, मेरे पास घर में बस टैब होता है, टैब से रिकॉर्ड हो नहीं पाती, कैमरे क्वालिटी बहुत गंदी है उसकी। बस वैसे अच्छा चलता है वो, मैं टैब चला रहा हूँ लेकिन उसके अंदर बस कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, और उसके अंदर स्पेस भी नहीं है कि मैं यूट्यूब चला सकूँ या ये सब, मतलब यूट्यूब अपना चैनल लॉग इन करके वीडियो वगैरह डाल सकूँ उसके अंदर शेयर करके। तो यही फ़ोन थोड़ी देर के लेता हूँ। आज मैं अगर अभी तो मेरे पापा फ्री थे तो मैं थोड़े फ़ोन लेके शूट वगैरह कर रहा था। तो बाकी ये था, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था इतने दिनों से ब्लॉग ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में मेरे खुद ग्रोथ अच्छी हो रही थी, इतने दिनों में अच्छे सब्सक्राइबर भी आए, ग्राफ ऊपर जा रहा। अब मैं क्या करूँ, एकदम से फ़ोन ही ख़राब हो गया। पापा कह रहे हैं एक दो दिन तक ले रहे हैं, जब तक के लिए मैनेज करना पड़ेगा मुझे भी एंड आप लोगों को भी। मेरी तरफ से सॉरी कि एकदम से अच्छे ब्लॉग बना रहा था, मिनी ब्लॉग भी मैं काफ़ी अच्छी अपनी ट्राई कर रहा था कि एकदम से मैं क्लिप को शिफ्ट कर पाऊँ, मैं अच्छे से ज़्यादा रिकॉर्ड करूँ, अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाऊँ। मिनी ब्लॉग काफ़ी मेरे पीछे देखना, 300-400 अच्छे व्यूज़ आया है, जिस वजह से अच्छा गेन भी हुआ सब्सक्राइबर, काफ़ी सब्सक्राइबर गेन हुई पिछले, अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ ना, वैसे 3-4 महीने को देखते दो, एक दो हफ्ते में, ये मान लो 2-3 महीने और ये एक हफ्ता, काफ़ी मतलब बिल्कुल एक थे काफ़ी ग्रोथ हुई। जो 1-2-3 महीने से ग्रोथ हो रही थी वो मेरी एक हफ्ते के अंदर हुई, क्योंकि अच्छे मैं मतलब ट्राई कर रहा था अच्छे मिनी ब्लॉग बनाऊं। लेकिन अब गाइस, अब मैं क्या करूँ, एकदम से फ़ोन ख़राब हो गया। बाकी मैंने पंखा बंद करा है क्योंकि फालतू में शोर आएगा, इस वजह से अभी थोड़े पसीने भी आ रहे थे अब। लेकिन अब जब तक पापा एक दो दिन तक फ़ोन लेते हैं तब तक मुझे मैनेज करना, मान लो जन्माष्टमी तक लेंगे, बाकी अब देख लेना, अब वहाँ जब तक मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद से रेगुलर जैसे पहले मैं कर रहा था वैसे बनाऊंगा। तो यही होता है जब मेरे व्यूज़ आने लगते हैं, मैं कुछ ट्राई करता हूँ, मेरे पास कंटेंट होते हैं, जैसे मान लो जन्माष्टमी है, फिर उसकी तैयारियों में, ये सब मेरे पास कंटेंट होते हैं, मेरा अमेज़न का ऑर्डर आने वाला है, कोई बड़े कंटेंट होते हैं, उसमें ऐसी दिक्कत आ जाती है। अब आपको भी पता मैं क्या करूँ, कोई नहीं, मैनेज करेंगे दूसरे फ़ोन से। तो जब तक के लिए आप लोगों बाय बाय। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हुआ क्या, पापा का फ़ोन जो है ख़राब हो चुका है, जिस वजह से मुझे ये वाले फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है, और अभी मुझे मिल नहीं रहा, मतलब ये वाला एक ही फ़ोन था, दूसरा वाला वो पहले टूट गया था। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब एक पापा फ़ोन लेंगे जब तक ये मैं चलाऊँगा, और फिर देखते हैं फिर क्या करना है। तो हाँ, जब तक के लिए बाय।